हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अगेन मैं एक और शादी में जा रही हूँ अपने काम से, और आज मैं जिस जगह जा रही हूँ वो मेरे लिए पहली बार है, मतलब पहली बार जा रही हूँ। वैसे बहुत मन था मेरे को उस जगह जाने का, और अपने काम की वजह से मुझे जाने का मौका भी मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी। और मैं बता देती हूँ आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने बताया था मैं जा रही हूँ चारंग गाँव में, वहाँ पर शादी है, मेरी ब्राइड है। आज उनकी हल्दी मेहंदी है, दिन में हल्दी थी, रात की मेहंदी है। तो उनको एक्चुअल में मेहंदी की लिए मेकअप भी करना है, और कल उनका वेडिंग है। तो कल का थोड़ा डिफरेंट सा प्रोग्राम है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, चलो फिर लेट्स सी अनदर मैरिज। और देखिए चारंग, तो चारंग गांव जाने के लिए हमको मोरंग से होके जाना पड़ता है। तो मोरंग पुल तक मुझे भैया छोड़ना है। एंड में पहुंच गई हूं, और यहां पे एक गाड़ी वेट कर रही है, आई थिंक यही होगी। बाय भैया। ठीक है भैया, बाय। चल मेरा बैग निकाल के दे दे। मोरंग पुल के पास तक मुझे भैया छोड़ देंगे, और वहाँ पे मुझे लेने आए हैं ब्राइड के कज़न। तो अभी मैं उनके साथ जाऊँगी चारंग गांव तक, और उनसे पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे लिए ये पहली बार है। तो मोरंग से चारंग तक का जो रोड है वो काफ़ी डेंजरस है, और बहुत उबड़ खबड़ वाला है। बहुत कम पोर्शन है जहाँ पे रोड बहुत अच्छे हैं, मतलब मेटल हुआ है, अदरवाइज़ उबड़ खबड़ चढ़ाई ही, मतलब डेंजरस रास्ता है थोड़ा सा। और अब हम हैं चारंग वाले रोड पे। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, कसम से ये बहुत बहुत सुंदर है। चारों तरफ धूप वाले पेड़ हैं, जिसको हमारी बोली में शुप्पा बोलते हैं, शुप्पा वाला पेड़। तो चारंग गांव में जो है शुप्पा के ही पेड़ दिखेंगे सब जगह, बाकी अदर जो पेड़ है वो यहाँ पे नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं चारंग गांव। चारंग गांव इसमें बहुत बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है, और ठंड है, मैं ऐसे ही आएंगी। ओह माय गॉड, तो मैं जाऊंगी सीधे मेरे ब्राइड के घर पे, और जो मेरा बैग है वो जो मेरी ब्राइड के कज़न मुझे लेने आए थे वही लेके जा रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, ये है मेरी ब्राइड का घर, और यहाँ पे है मैस, और यहाँ चल रही है खाने की प्रिपरेशन। नमस्ते। और यहाँ पर भी जो है लोग रात के खाने के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, और मैं जाके अब सबसे पहले अपनी ब्राइड से मिलती हूं। हमारी ब्राइड, नमस्ते, तैयार हो रहे हैं? तो ये है मेरी ब्राइड, नाम सोनू, और अभी इनकी हल्दी होनी है, उसके बाद मेहंदी। तो अभी हल्दी का प्रोग्राम होने में थोड़ा टाइम है, तब तक मैं चाय पानी पी के आती हूँ, और ब्राइड को हम यहीं पर रेडी करेंगे। ये दुल्हन के साथ वाला घर है। और अब पीते हैं चाय। तो पहले तो जब मैं चारंग गांव पहुंची तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो मेरे सब्सक्राइबर थे और मेरे वीडियो को देखते थे, तो थैंक यू पहले तो सबका। और दूसरा है कि बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ, मतलब इतने अच्छे से, इतने प्यार से, हर चीज़ क्या बताऊँ, मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब
लोग मुझे इतने अच्छे से, इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और इतने अच्छे से मेरे साथ ट्रीट करते हैं, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ और साथ में जो खपसे होता है वो बनाए इन्होंने, नमकीन खपसे, वो खा रही हूँ। और अभी यहाँ पे जितने भी लोग काम करने आए हैं वो सुबह के पूरी के लिए, रोटी के लिए जो है आटा गूंद के रख रहे हैं, तो यहाँ भी सब मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो गांव में हमेशा ऐसे ही काम होता है, हर गांव में। और जो ये चारंग गांव है वो आखिरी गांव है, और यहाँ पे जो है आईटीपी वालों का कैंप भी है, क्योंकि बॉर्डर पड़ता है यहाँ से आगे, सेम हमारे गांव की तरह ही। और यहाँ पे, यहाँ दूर परे एक बुद्धिस्ट मंदिर है जो बहुत फेमस है, जहाँ मैं आप लोगों को कल लेके जाऊँगी। और यहाँ पर भी सेम हमारे गांव की तरह ही मटर की खेती होती है, और मेनली यहाँ पे दो ही फसल होते हैं, एक मटर और दूसरा आलू। तो मटर का सीज़न जो है ये दो बार लगाते हैं चारंग गांव में, एक अभी लगेगा और एक सितंबर महीने में लगेगा। और दूसरी तरफ मेरी ब्राइड का जो है फ़ोटोशूट चल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे मैं पहुँची तो इन्होंने मुझे जो है फूल दिया मेरी टोपी में लगा के, ये एक तरीका है वेलकम करने का शादी में आए हुए लोगों का। और मुझे तो अपनी टोपी में फूल बहुत पसंद है, मुझे लगता है मैं फूल लगा के ज़्यादा प्रीटी लगती हूँ। और अब होना है हमारी ब्राइड की हल्दी स्टार्ट। तो ब्राइड को तो हल्दी लगी थी, साथ में जो दुल्हन की सहेली और दुल्हन की जो बहनें हैं उन्होंने आपस में हल्दी हल्दी लगाना शुरू कर दिया, और देखो मेरे वालों ने भी लगा दिया। तो हमारी ब्राइड की हल्दी हो गई है खत्म, अब हम तैयारी करते हैं मेहंदी के लिए, और अभी हम ब्राइड को रेडी करेंगे मेहंदी फंक्शन के लिए। और मैं कर लेती हूँ सेटअप रेडी, ब्राइड को तैयार करना है मुझे। तो अब हम शुरू करते हैं ब्राइड का मेकअप। तो आपको कैसा मेकअप चाहिए? मुझे सिंपल सा चाहिए। सिंपल सा, ओके ठीक है। फाइनली मेरी ब्राइड हो गई है रेडी। यार बहुत प्रिटी लग रही है सच में। ब्राइड तो चल गई है फोटोशूट करवाने के लिए, और मैं अपना तामझाम पैक करती हूँ क्योंकि कल सुबह मुझे फिर ब्राइड का मेकअप करना है। और अभी मैं भी पैकिंग करके जाती हूँ, डिनर वगैरह करती हूँ, और मेहंदी का प्रोग्राम देखते हैं, खुद भी लगा लूँगी। तो हमारी ब्राइड का फ़ोटोशूट हो गया है कंप्लीट, और मेहंदी को अभी थोड़ा समय है, उससे पहले अभी हम लोग कर लेते हैं डिनर। डिनर में बना है दाल चावल सब्जी रोटी, तो ये खाते हैं हम लोग। और डिनर करने के बाद अब स्टार्ट हो रही है मेहंदी। तो ब्राइड को जो मेहंदी है वो उसकी फ्रेंड्स ही लगा रहे हैं, और अभी देखो यहाँ पर फ़ोटोग्राफर के साथ थोड़ी मस्ती चल रही है मेरी। इनको पहचाना? ये मेरे पिछले व्लॉग में थे। हम फिर से मिल गए तो शादी में, पता नहीं और कितनी शादी में मिल सकते हैं। ये नए हैं ना। एक तरफ ब्राइड को मेहंदी लग रही थी, और दूसरी तरफ जितने भी दोस्त बहनें जो दुल्हन की सहेलियां यहाँ पे थी वो सारे एक दूसरे को मेहंदी लगा रही थी, कुछ अपने आप को भी लगा रही थी। और इसी बीच में मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपने हाथों पे मेहंदी लगा लूँ। तो ये रही मेरी मेहंदी कुछ। और यहाँ पे इतनी अच्छी सेवा थी, तो इस वक्त हमारे को चाय पिलाई गई, मीठी चाय। चाय तो आपको पता ही है कितना पसंद है मुझे, कभी भी दे दो। तो अभी हम लोग पीते हैं चाय। कैसी कैसी मेहंदी लगाई? वाह बहुत अच्छी लगाई सबकी, बहुत अच्छी मेहंदी है ये तो, सेम सेम कॉपी। अलग अलग हाथ ऐसे लग रहे हैं कि हाथ कॉपी। दिखाओ हाथ, दिखाओ इनका प्रोसेस में है आपका। वाह नाइस, आपका लगा दिया सिंपल।
अच्छे हैं। और ये मेरा, तो दुल्हन की मेहंदी तो अभी भी लग रही है और मैं आ गई हूँ अब सोने। एंड सुबह फिर से दुल्हन का मेकअप है और इस बार जो दुल्हन का मेकअप करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट आउटफिट में करना है, वो मैं आपको सुबह ही बताऊंगी, कल ही बताऊंगी। जहाँ मैं सोने आई हूँ वो शादी वाले घर से थोड़ा सा डिस्टेंस में है। और अब मैं सोती हूँ और आप लोगों को सुबह मिलती हूँ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह शाम यहाँ पे काफ़ी ठंड है और मैं कुछ भी नहीं लेके आई, बस ऐसे ही आ गई थी। तो जिस घर में मैं सोई थी उसने मुझे एक शॉल दे दिया स्टॉल, और इसकी वजह से मुझे ठंड नहीं लगी। और अब मैं जा रही हूँ अपनी बाइक की जगह पर, वहीं पर ही चाय पानी वगैरह का इंतज़ाम है। और अभी मैं चाय के साथ खप से खा लेती हूँ, फिर हम लोगों ने जो है मंदिर जाना है गुम्पा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। तो मेरी ब्राइड ने भी जाना है वहाँ पे, उनका फ़ोटोशूट वगैरह है। तो मुझे पहले अपनी ब्राइड का मेकअप करना है, उसके बाद जाएंगे हम। लोगों को भी चारंग का खुद मंदिर दिखाती हूँ जो कि बहुत पुराना है, और अंदर तो बनाए नहीं देते, बाहर का ही बनाते। आधे घंटे का डिस्टेंस है यहाँ से मंदिर तक के लिए। और अभी मैंने फटाफट ब्राइड का जो है मेकअप किया टचअप। तो मैं आपको ये बताने वाली थी कि इस बार जो ब्राइड है वो लहंगा चोली ऐसा कुछ नहीं पहन रही, वो अपने किनौरी अटायर में ही अपने वेडिंग का जो रिचुअल है वो कंप्लीट करेगी। और उनका जो मेकअप है मुझे उसी में करना है, मतलब किनौरी ड्रेस में ही करना है। तो अभी थोड़ा टचअप कर दिया जल्दी में, थोड़ा सा मेकअप किया हल्का सा, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि बड़ी जल्दी में करना पड़ा, क्योंकि हमको जाना है वहाँ दूर मंदिर में और दर्शन करने। और यहाँ जाना है हमको, यहाँ पर है मंदिर। तैयार हो गए। गुड मॉर्निंग गाइस। हम जा रहे हैं वहाँ पे। रास्ते बहुत अच्छे, मतलब प्लेन प्लेन रास्ता है, थकावट वाली फीलिंग नहीं हो रही है। हाफ वे पहुँच चुके हैं अभी हम लोग। तो जस्ट अब हम पहुँचने वाले हैं, और पहुँचते पहुँचते बहुत वो लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है मुझे, थक गया है। तो मंदिर पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी चढ़ाई है, बाकी पूरा रास्ता प्लेन है। और अब हम लगभग मंदिर पहुंच चुके हैं, और यहीं पर ही जो है LTP वालों का कैंप है। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं मंदिर, और सबसे पहले मैं और दो फोटोग्राफर, हम तीन लोग पहुंचे, और जो हमारी ब्राइड है और उसकी जो सहेली है वो पीछे से आ रहे हैं। उनको थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि उन्होंने दोड़ी पहनी है, और चलते चलते इतनी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो पंखे की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अभी हम बहुत चल के आ रहे हैं इसलिए गर्मी लग रही है। और अब हम करेंगे मंदिर में एंट्री। और ये मंदिर जो है लगभग 1000 साल पुराना है, और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो मंदिर के हम सिर्फ बाहर ही सेक्शन पे जो है फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं, जो मेन मंदिर के अंदर जो है कैमरा या कुछ ले जाना मना है। तो जब हम इतने दूर आए हैं तो अभी हम लोग यहाँ पे दिए वगैरह जला लेंगे। और ये है मेन मंदिर, तो इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम लोग मंदिर का परिक्रमा करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि 12-1 बजे तक जो है बारात भी आने वाली है, और इस वक्त टाइम हो रहा है 10:30। तो हमारा फ़ोटो शूट हो गया डन, और अब हम जा रहे हैं वापस, मंदिर दर्शन कर लिया। अच्छा, पाप कर।
आज गलती से मैंने ये वाले जूते पहने हैं, मुझे पता नहीं था ये मुझे यहाँ जाना है, स्पोर्ट्स शूज लेके आना चाहिए था और मेरे पैर में चाले पड़ गए। अब मैं इसको हाथ में लेके चलूँगी गाँव तक। तो मंदिर से आके हम पहुँच चुके हैं घर और अभी करेंगे हम ब्रेकफास्ट। निक्की कहाँ गई? खाओ खाओ खाना खाओ। और अभी मुझे हमारी दुल्हन ने ये खतक और एक टोपी दिया। वैसे हमारे कल्चर में ये है कि जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसको खतक और टोपी देते। मैं यहाँ गांव से आई हूँ फिर भी मुझे खतक और टोपी दिया। और अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ के मेस में। और ये हमारे मेस के हेड शेफ और यहाँ पे बन रही है जलेबियाँ और साथ में बन रही है रोटियाँ जो कि बना रही है औरतें। और सब्जी दाल चावल इनका डिपार्टमेंट मर्दों का ही होता है। लोकल राजमा चावल, ये चावल राजमा जीरा राइस लोकल राजमा। और ये इसमें क्या उबाल रहे हैं? इसमें गर्म पानी रखा, अगर चावल कम हो गया तो मैडम को ना ठंडा पियो मैडम। हाँ जी, हाँ जी, दिया दिया। और शादी में जो लोग आए थे वो सारे मंदिर जो है अभी मंदिर दर्शन करने गए थे और सब अब वापस आ रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि सारंग में जो भी आते हैं वो मंदिर दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। हेलो। तो बारात बस अब थोड़ी सी देर में आने ही वाली है और अब मैं अपनी ब्राइड का मेकअप कर लेती हूँ। और इनको मेकअप में बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं करना है, ना आईज़ का मेकअप करवाना है, ना कुछ भी नहीं करवाना है, ना लैशेस लगाने, बिल्कुल मिनिमल सा करना है अभी फेस का ही। एंड तो मेरी ब्राइड का मेकअप हो गया, ये सबसे लाइटेस्ट मेकअप है जो मैंने आज तक किया है, क्योंकि मेरी ब्राइड को कुछ नहीं करना है, ना इसका करना है, ना ब्लश लगाना है, कुछ भी नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा तो लगा दिया हल्का सा टेंट सा। चलो अब हम जाते हैं, खाना खुना खाते हैं क्योंकि थोड़ी सी देर में बारात भी पहुंचने वाली है। रखा तक हाँ जी, काम करो, क्या कर रहे हैं बैठ के आप? तो बारात भी बस अब थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, तो उससे पहले अभी हम लोग कर लेते हैं लंच। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे पता लगी है, मुझे बताया गया है, लोगों ने बताया कि चारंग गांव में जो है शादियों में नॉनवेज नहीं बनता है, किसी भी शादी में, चाहे वो लड़के की हो चाहे लड़की की हो। ये ना बहुत अच्छी चीज़ है, शादियों में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। तो वेज में यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें थी, बहुत ऑप्शन था खाने में। तो अभी हम करेंगे लंच और अब जो है हमारी ब्राइड भी पूरा ट्रेडिशनल अटायर में हो गई है रेडी, और बारात भी जो है अब बस पहुंचने ही वाली है। और उसको देखने के लिए जो है सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, लेंटर में बैठ चुके हैं। बारात देखने का जो क्रेज़ होता है ना वो हर जगह सेम होता है। और यहाँ पर दुल्हन के शगुन लिखा जा रहा है, हमारी बोली में बोले तो उदानंग लिखा जा रहा है, जो लड़की को पैसे लगाना होता है वो हमारे यहाँ लिखा जाता है। Oh,
तो बारात स्वागत की तैयारियां हो चुकी है, लोग खड़े हो चुके हैं बारात के स्वागत के लिए। जितने बाराती आएंगे उनको खतक पहनाया जाएगा।
होते हैं आप लोगों को पता ही होगा, मेरी इतनी शादियाँ देख ली आप लोगों ने, तो वैसे ही होनी है। और मेरे भैया भी मुझे लेने आ गए हैं, तो मैं अब निकल रही हूँ यहाँ से। तो मैं फ्लाइट को करती हूँ मैं लास्ट बाय, फिर निकलती हूँ। करते हैं हम बाय एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है? अच्छे से जाना, आप भी आराम से जाना, ठीक है? ठीक है, बाय। चलो, तो मुझे भैया लेने आ गए और अब हम जाएंगे सीधा घर पे। शादी तो अभी भी चल रही है और जो विदाई है वो लगभग होना है शाम को, शायद 4-5 तो आराम से बच जाएंगे। तो आज के इस ब्लॉग को मैं बस यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।